15-15, 20-20, 25-25 आदमी इन लोगों ने रखे हुए हैं। और खर्चा किन पे पड़ता है? देश पे खर्चा पड़ता है, लोगों पे खर्चा पड़ता है, लोगों को तो जैसा कि मैं देखती हूँ कि इनको पूरे थाने की सिक्योरिटी दी गई है, वाई प्लस इनके पास है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जेड प्लस लेने की प्रयास कर रहे हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी मुझे मिल जाए और इसी के ऊपर इनकी दाल रोटी बनती है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि लगातार कोई ना कोई टिप्पणियां वहां से आती रहती है और मैं इस चीज को बहुत शर्मनाक मानती हूँ कि वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान, जो ईश्वर का दिया हुआ ग्रंथ, ईश्वर का दिया हुआ जो एक हमारे पास आज दरबार साहब है या कोई भी ग्रंथ साहब है, आज उसकी बेअदबी अगर कोई करता है तो मैं कहती हूँ कि वो हमारे यहाँ जो जन्म लिया है उसका जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। गुरु तेग बहादुर जो आपने ब्रिगेड बनाया हुआ है, जो गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी है, उनके लिए इन लोगों का जो जब ऐसे बयान देते हैं, अकृतज्ञता हमको तो फील होती है। देखिए ये जो बयान है ये बहुत शर्मनाक है और मैं तो कहती हूँ आपको सबके पूरे कैमरे के सामने कह रही हूँ, सब सुरक्षा का प्रोपगंडे है, इनकी सुरक्षा लेने के हैं, इनकी दाल रोटी नहीं गलती जब तक इनको सुरक्षा नहीं चाहिए होती है। आज एक अच्छा आदमी कोई काम करे उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन इसको पूरे थाने की सिक्योरिटी मिलती है। आज उस थाने की सिक्योरिटी किसी अच्छे काम में यूज हो सकती है, कहीं ना कहीं वो अच्छे जहां करप्शन हो रही है वहां लगाई जा सकती है। ये प्रशासन को भी परेशान करने की जो है वो साजिशें होती हैं। अब प्रशासन भी तंग आ जाता है उनकी सिक्योरिटी जो है उनके सिक्योरिटी में, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, इनको क्या खतरा है लोगों से? फिर गलत बोलते ही क्यों जब आप लोगों को खतरा होता है? आप गलत मत बोलो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो ऐसा बना के रख दिया है कोई भी आएगा किसी भी धर्म के बारे में बोलेगा और चला जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी उसको ये लोग नहीं मानते। ऐसे लोगों का जो परिणाम है वो बहुत बुरा होता है और ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है। आपको दरबार साहब के लिए बोलने के लिए किसने परमिशन दी है? आपको क्या अधिकार है दरबार साहब के बारे में बोलने का? मैं पूछना चाहती हूँ सुधीर सूरी से कि किसने अधिकार दिया है तुम्हें उस चीज के लिए बोलने का? क्या आप यहाँ के राष्ट्रपति है? क्या आप प्रधानमंत्री है कि आप जो है गलत बोलते रहोगे और हम सहते रहेंगे? मैं तो देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहती हूँ कि इसकी सिक्योरिटी डायरेक्ट एकदम जो हटा दी जाए और साथ में इसको जो है ना इसके अरेस्ट वारंट जारी करे जाए कि हमारे धर्मों के ऊपर टिप्पणियां करता है, इतिहास को झूठा बताता है। तो देश के प्रधानमंत्री जी अगर मेरी बात सुन रहे तो हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे मुखिया जो वाई सुरक्षा और जेड सुरक्षा के घेरे में है इनको जेल की जो है सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए।